ये कुशन कवर में बना रही हूँ। मेरे पास एक साड़ी रखी हुई थी और साड़ी के जो बीच का भाग था ना, उसकी मैंने चनिया चोली बनाई थी और ये पल्लू वाला और बॉर्डर वाला भाग था, तो इसका मैंने कुशन बना दिए हैं। आगे का फ्रंट का भाग है और पीछे वाला मुझे बैक का लेना है कपड़ा, इसलिए ये कम्प्लीट नहीं हुआ है और इतना करके रख दिया है मैंने। तो मुझे कुशन कवर भी बनाने हैं और तकिए भी बनाने हैं। इसके 8 पीस बनाए हैं मैंने इसके, और ये भी सेला का कपड़ा था और इसकी मैंने चनिया चोली बनाई थी और थोड़ा सा कपड़ा इतना ही बचा हुआ था, तो इसके भी मैं कुशन कवर और तकिया बनाऊंगी, पर थोड़ा कपड़ा लेना बाकी है इसलिए रहने दिया है मैंने। ऑलमोस्ट सुबह का सारा मेरा काम हो गया है और आज सुबह सुबह मैंने अपने हेयर वॉश भी कर दिए हैं। और आज बहुत दिन हो गए मैंने ब्लॉग स्टार्ट किया है, 15 दिन का मैंने ब्रेक लिया है पूरा, और आज 15 दिन हो गए हैं पूरे। और ब्लॉग इसलिए नहीं बना रही थी क्योंकि अभी व्यूज़ भी कम आ रहे हैं और मेरी आँखों में भी दर्द था, दोनों प्रॉब्लम थी, इसलिए मैंने वीडियो नहीं बनाया और आज बना रही हूँ। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं और वेलकम कर देती हूँ, वेलकम बैक टू द चैनल। आप सब कैसे हो ज़रूर से बताया कीजिएगा कमेंट करके, और सुबह 11 बजने वाले हैं और चलो स्टार्ट करते हैं। चलो अभी मैं आटा लगा देती हूँ और सब्जी मैं बना देती हूँ। और ये मटके के नल में प्रॉब्लम आ गई है, एकदम पूरा ग्लास भर गया और निकल भी रहा है पानी। मटके के नल को मैंने 3 बार चेंज किया, फिर से खराब हो गया है। देखो लीकी है नल, 2-3 महीने अच्छे से काम किया फिर खराब हो गया। और मैं क्या बोल रही थी, हाँ आटा लगा दूंगी मैं और गवार फली की मैं सब्जी बना रही हूँ। और आज का वाड़ी में जाने का प्रोग्राम है और वहाँ वाड़ी में जाकर हम प्रोग्राम बनाएंगे, और क्या बनाने वाले हैं वो वहाँ जाकर ही पता चलेगा, क्योंकि थोड़े बहुत आइडिया है और थोड़ा बहुत पता नहीं है क्या प्लान चेंज होगा उसका, तो इसलिए। तो चलो एक काम कर लेती हूँ पहले और फटाफट से सब्जी रोटी बना लेती हूँ। और केरले से मंगवाया है हमने इस सारे मसाले, ये खड़े मसाले मंगवाए थे हमने, तो ये सारे, ये जामुन, दालचीनी, ब्लैक पेपर, जायफल, लौंग और स्टार चक्कर, और है सांभर मसाला, ये सारी चीज़ें हैं। 250 है, थोड़ी सी 150 ग्राम है, इस तरीके से मंगवाया है और मैंने ऐसे ही रख दिया है। कल मैं गरम मसाला भी बनाऊंगी तब आपके साथ शेयर करूंगी, और आप ही मैंने इसको ऐसे ही रख दिया, 2 दिन पहले ही आए हैं मसाले सारे। शाम के 6 बजने में 10 मिनट की देरी है, अब थोड़ी देर बाद हम निकलेंगे और निकलते निकलते अंधेरा हो जाएगा, देखते हैं वहाँ पर लाइट होगी कि नहीं, क्योंकि कौशिक बोल रहे थे कि वहाँ लाइट नहीं है। तो सारी ग्रेवी घर पर पीसी और पीस कर यहाँ से ले गए हैं, तो देखते हैं वहाँ पर लाइट होगी तो अच्छे से वीडियो बन पाएगा, वरना तो नहीं बन पाएगा। और हम लोगों को कुछ भी नहीं करना है, वो लोग ही करने वाले हैं, तो हम शायद कितनी 8-9 फैमिली है शायद प्रोग्राम में, और वहाँ जाके मैं दिखाऊंगी कौन सी सब्ज़ी बनी है। बाजरे की रोटी तो बनने वाली है, पर कौन सी सब्ज़ी बनने वाली है वो हमें पता नहीं है। वैसे तो ढेर सारे काजू भी है और उसका पाउडर भी बनाया हुआ है, उसमें कौन सी सब्ज़ी मिक्स करने वाले हैं वो पता नहीं है, तो जाने के बाद ही पता चलेगा। शाम के 6:30 बज चुके हैं और अभी हम निकलने वाले हैं, निकल रही हूँ, फ़ोन आया था अभी, तो इसमें सारे स्वेटर डाले हैं मेरे, कौशिक का और वेद का, बहुत ठंड होगी बाहर, यहाँ रख देती हूँ और लॉक कर देती हूँ मैं। और अंधेरा हो गया है बाहर तो दिखेगा भी नहीं कुछ। तो
इम्पोर्टेंट वाली है भाई। बस यहाँ पर हम पहुँचने ही वाले थे और हमारे घर से 15-20 मिनट की दूरी पर ही है और ये फार्म शुक्ल तीर्थ वाले रोड पर आता है और हम जल्दी आ पाते तो बहुत अच्छा रहता क्योंकि हम एंजॉय कर सकते थे यहाँ पर। और आने के बाद पता चला कि ये जगह बहुत ही अच्छी है और फिर कभी हम आ सकते हैं यहाँ पर। हम यहाँ खाने आया है, खाने आया है। रोटला नहीं, अब आलू देखो तो मैं ऊपर आया हूँ। फॉर्म आया क्यों है? रोटला फॉर्म आ गया। केंगे काजल? अपन क्या बनाएगा? भाई बापड़े मत मिलते का ना अंडा नहीं रहा के गाड़ी में देखो चेयर पड़ी कुर्सी भेजो मम्मी मैं बाजार में देव तो बाकर थोड़ा देखे हम कोई थोबड़ा न देखा था जे रियल में नहीं देखा जो देखा था नहीं देखा फुल लाइट से न कर ए पोलीसा एटा पर ना खाए और वैसे सब्जी बहुत ही टेस्टी और अच्छी बनी थी। वैसे कौशिक ने बनाई थी और मैं इंग्रेडिएंट्स बता देती हूँ यहाँ पर कि कौन कौन चीज़ें यूज़ की हैं। यहाँ पर 1 kg काजू है, 1 kg हरा लहसुन है, 300 ग्राम पनीर है, 300 ग्राम बटर है, 300 ग्राम चीज़ है, अनियन और टमाटर की प्यूरी बनाई थी, अदरक लहसुन था और बाकी स्पाइसेस थे सारे और बहुत ही अच्छे टेस्टी बनी थी सब्ज़ी। हमने इससे पहले भी प्रोग्राम बनाया था पाव भाजी का और वो मैंने वीडियो बनाया नहीं था तब, और तब मैं छुट्टी पर थी। हाय, अरे वाह, ठंडी आवे छे के ठंडी ठंडी लागे छे। हम बोलो बनाओ छे नो हळगे आला एक डिश लाओ तो हम लोग मम्मी तवा रोटली मुकू ने एक रोटली एक लेवा दे आया मुक दे एक डिश નહીં હળગાવતા નિકળતા હૈડા નિકળતા જતા હૈ वैसे हमने बाजरे की रोटी और साथ में गेहूं की रोटी अभी मंगवाई थी, वो ऑर्डर से मंगवाई थी। आज रसोई बनाने में हम लेडीज़ को छुट्टी थी और इन लोगों ने ही बनाई थी सारी चीज़ें। शाम को हम थोड़ा जल्दी आते तो बहुत ही एंजॉय करते, पर खैर कोई बात नहीं, वैसे भी हमने बहुत ही एंजॉय किया यहाँ पर और विंटर में ऐसे प्रोग्राम बनाने में बहुत ही मज़ा आता है।
લાકડા ભરવે ગાડી और आगे बहुत ही धमाकेदार वीडियो आने वाले हैं। जो हमारा प्लान सक्सेस हुआ, कोरोना बीच में ना आया तो हमारा प्लान है और मकर संक्रांति पर होगा और बहुत ही अच्छे और धमाकेदार वीडियो आने वाले हैं, तो वीडियो से बने रहिएगा। तो इसी के साथ इस वीडियो का यही एंड करते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा जरा सभी पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब किए भी चैनल से मच जाएगा और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दीजिएगा जिससे मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो चलो, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।